बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आज मैं 3D मैक्स में एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम 3D स्टूडियो मैक्स में बेड बनाना सीखेंगे, तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेड दिखा देता हूँ। ये बेड है, हम इसमें ये वाला बेड बनाना जो है सीखेंगे, बहुत ईजी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बॉर्डर बनाएंगे। फ्रंट व्यू पोर्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, लाइन को मैं यहाँ से पकड़ूंगा। तीन पॉइंट हमने बनाने हैं इसके, एक सेंटर में, दो साइडों पे। यहाँ से हम इसके वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया, इसे हम इसकी जगह पर एग्जैक्ट लाइन के ऊपर रख लेते हैं। कहीं से भी लाइन आपकी जो है आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। सेंटर को हम पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें और दूसरा आपसे बिजियर कर रहा हूँ, स्मूथ कर लें इसे। यह आपका स्मूथ हो गया बिल्कुल। ऐसे ही आप इसके ऊपर भी राइट क्लिक करें और इधर से बिजियर कर लें। बिजियर करने के बाद ये जो आपको हैंडल नज़र आ रहा है, इसे आप पकड़ लें और यहाँ पर ला के इसे छोड़ दें। ऐसे ही आप एग्जैक्ट इसे भी कर लें, राइट क्लिक और बिजियर, और इसे यहाँ पर ला के इसे आप छोड़ दें। अब हम इसका बॉर्डर बनाते हैं। ये एक लाइन हमने फिलहाल बनाई है। लाइन के बाद दोबारा मैं फिर एक लाइन को सेलेक्ट करता हूँ टॉप व्यू पोर्ट पर, और हम एक डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये डिज़ाइन बना हुआ, वैसा हम लाइन के साथ एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने एक डिज़ाइन बना दिया, इसे अब हम थोड़ा सा स्मूथ करते हैं। इसे स्मूथ कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। इन लाइनों को सीधा कर लेते हैं।
राइट क्लिक और इधर करें को थोड़ा सा इसे यहाँ से गोल कर लें, इसे थोड़ा सा करीब कर लें। यस, आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइमिटिव में जाके कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके और इधर है लॉफ्ट, हम यहाँ से लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, लॉफ्ट को सिलेक्ट किया। इधर दो चीज़ें हैं, एक है गेट पाथ और गेट शेप। गेट शेप, शेप आपके पास ये वाली है, अगर आपने इसे सिलेक्ट किया होता तो फिर आपने गेट पाथ को सिलेक्ट करना था। फिलहाल आपने अभी इस लाइन को सिलेक्ट किया, यानी कि ये आपका पाथ है, इसलिए आप गेट शेप करेंगे। शेप करके शेप के ऊपर रख के आप सिलेक्ट कर देंगे। तो अब आप देखें, वो वाला बॉर्डर जो आपने उधर बनाया था वर्क का, देख सकते हैं ये आपका वो बॉर्डर बन गया। अगर आपको ये लगे कि आपका बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा है या मोटा है, तो आप इसे दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, और इसे थोड़ा सा आप चाहें तो बारीक कर लें। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मॉडिफायर वो लगा लेते हैं, टर्बो स्मोक का। टर्बो स्मोक देखें, ये स्मूथ हो गया, लेकिन स्मूथ होने के साथ ये इधर से भी गोल हो गया, ये मुझे इधर से ऐसे नहीं चाहिए। यहाँ पर है मटेरियल, इसे आप पिक कर दें और स्मूथ ग्रुप को भी आप पिक कर दें। ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया, वैसे भी ये स्मूथ हो चुका है, देखते हैं ठीक हो गया। अब आप इसके बाद क्या काम करेंगे, आप इसके ऊपर मॉडिफायर है एफ एफ टी का 4x4 वाला, आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप इसे फ्रंट टू फोर में सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से खोल लें और सेट वॉल्यूम पर आप सेलेक्ट कर लें और इसे पकड़ कर यहाँ ले लें।
इसे पकड़ के आप यहाँ पर भेजें। अब आप कंट्रोल पॉइंट को सेलेक्ट कर लें और ऐसे एग्जैक्ट आप इसके साथ कर लें। नीचे ये आपका बॉर्डर बन गया, ये आपके बेड के डन हो चुकी है। अब आपने क्या काम करना, ये आपकी डन हो चुकी है। ये आपके सामने आ गया। अब आपने क्या काम करना, दूसरा जो काम है आपके पास, आपने दोबारा फिर लाइन को सेट कर यहाँ पर रखना। जितनी आपको हाइट चाहिए बेड की, आप उस हिसाब से मतलब उसके जो बैक है वो आपको सेट कर लें। लाइन हमने एक बना ली है, लाइन के बाद फिर सेम पहले वाला प्रोसेस करेंगे। लॉफ्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लॉफ्ट से करेंगे फ्लैट शेप, जो शेप बनती है इसकी। इसका मैं दूसरी साइड पर अब मैंने इस बॉर्डर को, ये दो जो बॉर्डर बने हुए हैं इसे इनके साथ मिला, तो इसकी शेप जो है उस साइड पर नहीं आई। यहाँ से मिरर करके देख लेते हैं, ये देखेंगे उसने अपनी साइड से चेंज कर दी मिरर करने से। तो इससे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और एग्जैक्ट इसके कोने को इसके साथ मिला देता हूँ इधर से। अब इसके ऊपर फिर दोबारा वो पहले वाला FFT का मोड पर लगा लेते हैं, 4x4 वाला। तो यहाँ से इसे यहाँ से मिला देते हैं और इसे यहाँ से मिला देते हैं। थोड़ा सा कोना जो है वो काहे, अब आपको ये साफ नजर आएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम एग्जैक्ट इसे थोड़ा सा लेवल पे कर लेते हैं और इसके हिसाब से अब इसे मैं दोबारा खोलता हूँ।
ये इसके साथ सेट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से इसकी कॉपी बना लेते हैं। एग्जैक्ट कॉपी बना के ओके करते हैं। ये आपके इसकी बैक ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसकी बैक को देख लीजिए बन चुकी है। ये बार बॉर्डर को अब इसका ये अंदर वाला हिस्सा बनाना है। इसके लिए आप सीखे क्या काम करेंगे, इधर से बेशक आप एक लाइन को पकड़ लें, ये इसके साथ सेट हो गया। इसके ऊपर आप ये देखें आप ये बैक साइड इसकी बन गई है। आप उसे कितना मोटा करना चाहते हैं वो आपका अपना अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, इन तीनों को आपने सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेना, ओके कर लो और इसकी एक कॉपी बना लो। स्केल कर लें यहाँ से ऐसे, ये आपके बेड का ये जो अंदर वाला हिस्सा ये भी आपका बन जाएगा ऐसे ही, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप इसे पहले अपना कलर वगैरह जो देना है आप दे लें। यहाँ से आप अपना
सकता है, जैसे चाहे कलर बना सकते हैं, जो आपका कलर आपको फिट लगे। ये मैं आपको व्यू पोर्ट में दिखा देता हूँ, ये आपको बन चुकी है। आपको वाटर वगैरह नज़र आ जाएगा इसमें। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमने इसके अंदर ये जो है ये हिस्सा हमने इसका बना देना, वो भी काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए आपने क्या काम करना है, यहाँ से आपने एक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना, सेगमेंट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। इससे आपको पता चलता जाएगा कितने ऐड हो गए कितने नहीं हो। इसके ऊपर मैं एक मॉडिफायर लगा देता हूँ एडिट बॉडी का, सेलेक्ट कर इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इधर कनेक्ट लिखा होगा कहीं, हाँ ये लिखा कनेक्ट, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे होगा एक्सक्लूड, ये मैं इसे एक्सक्लूड करता हूँ। एक्सक्लूड से आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर मैं अब लगाता हूँ मैच स्मूथ का मॉडिफायर, ये देखें ये आपका ये शेप पे बन चुका है। उसके
बाद अब मैं क्या करूँगा, ये कुछ ज़्यादा पैटर्न शुरू हो जाए। और अब मुझे ये जहाँ चाहिए मैं उस जगह पर इसे फिट कर लेता हूँ। इस हिसाब से इसके ऊपर F50 का मॉडिफायर लगा देते हैं, 4x4 वाला। उठा लेता हूँ और इसे जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसे पीछे कर देता हूँ। पीछे करने से बॉर्डर के नीचे आ गया और बॉर्डर बिल्कुल साफ नजर आएगा, वो भी साफ नजर आएगा। सेट हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि एक स्फीयर को लेते हैं और इसे यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद ऐसे प्रेस किया मैंने, ये बिल्कुल इधर सेट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है ये करना है कि इसे इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं। तो बार बार एक चीज़ को कलर करने से सेट करता हूँ, इसमें फुल वाइट करके बैक है। इसे मैंने टेक्सचर जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ था। आप भी अपनी मर्जी के साथ जो आपको चीज़ अच्छी लगे आप दे सकते हैं। अब जो इसके ये जितने भी स्वागत नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर आप इसे सेलेक्ट करते जाएँ, इसकी कॉपी करते जाएँ और ये ऊपर
सेट कर चुके हैं, ये आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बाद अपने नेक्स्ट काम आप क्या करना है, ये साइड बननी है, ये सेंटर बनना है, उस हिसाब से आप एक बॉक्स बनाना जितना आपको चाहिए उस हिसाब से उसे पर आप इसे चाहते हैं आपसे अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने इसी चीज़ को इसे हम हाइड कर लेते हैं, बस हाइड से मैंने हाइड कर लिया, फिर से मैं ग्रुप बना देता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ अनहाइड, ठीक है, फिर इसको कॉपी शिफ्ट के बटन को प्रेस करते ना आपने छोड़ देना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसे प्रेस करना है उसको
था जब छोटी और इसके ऊपर एक और मॉडिफायर लगेगा वो है शेल का।
आप कलर करने के लिए जी ये आपका बेड कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर मैं आपको अगर आप इसके ऊपर मैट्रेस वगैरह डालना चाहते हैं तो चाहिए इसको कर लेता हूँ एक और। ओके आपने क्या काम करना है इसके ऊपर इसमें कुछ कलम वगैरह ऐड करना है। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कंप्लीट जो है बेड बनाना सिखाया। अब जो नेक्स्ट मेरा ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको बेडशीट और ये पिलो वगैरह बनाना सिखाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।